हिमाचल की ठंडी वादियों में भले ही मौसम ठंडा है, लेकिन राजनीतिक माहौल की गर्माहट महसूस की जा सकती है और राजनीतिक पारा अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इसी कड़ी में नालागढ़ की पहाड़ी पंचायत रामशहर में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति के द्वारा एक चुनावी सभा का आयोजन किया, जिसमें हिमाचल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने शिरकत की। उनके साथ दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी, नालागढ़ के पूर्व विधायक KL ठाकुर, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन पुरुषोत्तम गुलेरिया आदि मौजूद रहे। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सतपाल सत्ती ने सुरेश कश्यप के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। मीडिया कर्मी द्वारा पूछे गए सवाल, कांग्रेस पार्टी द्वारा हर परिवार को 72,000 रुपये देने की घोषणा पर सतपाल सत्ती ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या और क्या छुपाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में आना सत्कार किया, जब भी और बहुत प्रोग्राम थे तो जहाँ संसद के हेड है, तो इसलिए बड़ी बात है रामशहर के लिए। पार्टी है, इस पार्टी में कोई आदमी यह नहीं बोल सकता कि नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किसी को पता नहीं है कौन बनेगा। और आज कोई ये भी नहीं बोल सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के बाद कौन मुख्यमंत्री जी की लगभग 2-3 महीने से एक प्रॉब्लम चल रही है, उनके पाँव में मोच आ गई थी। मोच के बाद वो बैठे नहीं, टूर चलता रहा। टूर के बाद मोच के कारण फिर वो पाँव का, जैसे हम लोग बोलते हैं देसी भाषा में, मांस फट गया। मांस फटने के कारण बहुत 3-4 दिनों से उनको दिक्कत आ रही थी, और फिर शिमला जाके उन्होंने डॉक्टर से बातचीत की है तो डॉक्टर ने कहा कि इसका एक इलाज है, 2-4-5 दिन आप लोग आराम करें। तो हमने भी यही कहा कि आप लोग बैठें आराम करें, क्योंकि अभी सम्मेलन लगभग हमारे समाप्त हो रहे हैं, इसके बाद छोटी नुक्कड़ सभाएं चलेंगी तो स्थानीय लीडर्स करेंगे, और बड़ी जनसभाओं में जहां जयराम जी जाएंगे तो वहां पर उसके बाद दोबारा से टूर के नीचे वो निकलेंगे। सर क्या स्थिति रही सर, बीजेपी ज्वाइन किया सर इस बार? हरिनारायण सैनी जी के परिवार ने बीजेपी ज्वाइन की है, बीच में हमारा ही परिवार है, इतने सालों तक हमसे जुड़े रहे, छोटी मोटी बातों के कारण किनारे हुए थे। अच्छी बात है उन्होंने ज्वाइन किया, मैं स्वागत करता हूँ उनका, पार्टी में मान सम्मान दिया जाएगा और पार्टी आगे बढ़ेगी उनके आने के कारण और उनके परिवार के कारण, वहाँ जो जनता आई है उनके कारण। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले वर्ष जब चुनाव हुए थे आज से 5 वर्ष पूर्व, अपोजिशन में रहते हुए हम लोगों ने चारों की चारों सीटें जीती थी, और श्रीमान वीरभद्र सिंह जी की धर्मपत्नी भी मंडी से चुनाव हार गई थी। उस समय हम न केंद्र में सत्ता में थे, न हिमाचल में सत्ता, ना नौमन तेल होगा ना राधा नचेगी, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, छुपाएगा, राहुल गांधी ने बनेगा गलों का कड़ा बनाना था कि एक अटका बना, राहुल गांधी जी का हाल है। तो उस कारण से ना कुछ दे पाएंगे, उनके नाने ने नहीं दिया कुछ, उसकी दादी ने नहीं दिया कुछ, उसके पिताजी ने नहीं दिया कुछ, उनके 52 साल तक चली हुई सरकारों ने नहीं दिया कुछ। वो तो मोदी जी ने कोई पैसा दिया है तो उसकी नकल करके उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम भी ऐसा करेंगे, जब हम आएंगे तो हम लोग मार देंगे दारा सिंह को, तो कुछ नहीं होगा सर, कुछ ऐसा ही है उनका, कुछ नहीं है। जहाँ फौजियों की बात सही है, सेना के ऊपर हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, सेना ने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष की सेना ने एक कारनामा करके दिखाया है, वो अच्छी बात है। सेना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सेना तो इस देश की है, किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है। ठीक है।